हर कलाकार के लिए गणपति। प्रधानमंत्री पहुंचे जम्मू कश्मीर, बाढ़ से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से अब तक 160 की मौत। अमित शाह का नया बयान, कहा सांप्रदायिक तनाव रहा तो यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। लव जिहाद पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा लड़कियों को समझाना होगा लव जिहाद से बचने का तरीका। टूट सकती है महाराष्ट्र में आघाड़ी, कांग्रेस एनसीपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ा, एनसीपी अकेले चुनाव लड़ सकती है। हिमाचल पहुंचे अंडरवर्ल्ड के तार, डीके राव के मर्डर के लिए हथियार सप्लाई करने वाली आरोपी को मुंबई क्राइम ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणेशोत्सव का मौसम है और लगातार गणेशोत्सव के जरिए पूरे मुंबई की जो तस्वीर है उसमें अलग अलग भक्ति और आस्था की गंगा को हमने बहते हुए देखा है और कल उसका क्लाइमेक्स होने वाला है, यानी कल विसर्जन है, जिसके बाद लगातार लाखों की संख्या में गणेश भक्त गिरगांव चौपाटी जाएंगे, जुहू चौपाटी जाएंगे, वर्सोवा चौपाटी जाएंगे, मुंबई के जितने भी तट हैं उस पर लोग अलग अलग तरीके से प्रस्थान करेंगे ताकि गणपति बप्पा को आखिरी विदाई दी जा सके। मुंबई में गणेशोत्सव को देखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक समस्या को देखते हुए खास व्यवस्था की है, जिसके तहत मुंबई के 5 अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जगह जगह एम्बुलेंस और फर्स्ट एड की भी व्यवस्था की गई है। मुंबई में बप्पा की विदाई को लेकर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, जिसके चलते ये इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, ट्रैफिक पुलिस की सहायता के लिए कई एनजीओ के स्वयंसेवक भी मौजूद रहेंगे। वहीं मुंबई पुलिस ने गणेशोत्सव के चलते नागरिकों से भी सहयोग देने की बात कही है। तो गणपति बप्पा को आखिरी विदाई देने की तैयारी शुरू हो गई है और कल विसर्जन है, मेन विसर्जन जिसको कहा जाता है, जिसको हम पराकाष्ठा कह सकते हैं, चरमोत्कर्ष कह सकते हैं, क्लाइमेक्स कह सकते हैं। तो गणपति बप्पा पूरा जो आयोजन होता है गणेशोत्सव का, उसका कल अंतिम दिवस है और अलग अलग इलाकों से लोग गणपति बप्पा को आखिरी विदाई देने पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस के सामने भी एक बड़ी जिम्मेदारी है सुरक्षा को लेकर। इसलिए पुलिस ने ऐलान किया है कि आम लोग भी इसमें शिरकत करें सहयोग के मुद्दे पर। बुद्धि के देवता गणेश, जिनको प्रथम पूजा के लिए भगवान ने आशीर्वाद दिया हुआ है और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, देवों के देव कहे जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई शुभ काम होता है तो गणपति बप्पा को ही याद किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है ताकि पूरा जो नकारात्मक ऊर्जा है उस इलाके से, उस वातावरण से वो निकल जाए और सकारात्मक ऊर्जा से पूरा वातावरण जो है वो सुगंधित हो जाए, भर जाए, आह्लादित हो जाए। यही कारण है कि गणपति बप्पा को लेकर भक्तों में लगातार आस्था का सैलाब हमने देखा है, महसूस किया है और लेमन न्यूज़ ने समय समय पर हर तरह के विसर्जन को आप तक लगातार पहुंचाया है और आने वाले समय में भी विसर्जन की एक एक पल की खबर आपको परत दर परत दिखाने का काम करेगा लेमन न्यूज़। ढोल ताशों के साथ बप्पा की विदाई के लिए
जो भक्तों का सैलाब है वो उमड़ पड़ा है और हर तरफ तैयारी का मंजर है। हालांकि कल विसर्जन होने वाले हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को संचालित करना, उसको सुरक्षित ढंग से मकाम तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती होती है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन निश्चित रूप से मुंबई पुलिस की जब भी तारीफ होती है तो कहीं ना कहीं से उसके पीछे का सच सामने आता है। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। जो इमर्सन पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे हमने ट्रैफिक का काफ़ी एलोबरेट बंदोबस्त किया है। जैसे गिरगांव चौपाटी है, शिवाजी चौपाटी है, जुहू है, वरसुआ बीच है, मारवे है और पवई तालाब है, वहाँ पे गाड़ियाँ कैसे आएंगी कैसे जाएंगी, वहाँ पे पार्किंग का क्या अरेंजमेंट है, इन सारी चीज़ों की हमने पूरी तरह से रूपरेखा तैयार की है। इसके अलावा पूरे मुंबई शहर में 49 ऐसे रास्ते हैं जिनको हमने पूरी तरह से बंद कर दिया है। उसके अलावा 55 ऐसे रास्ते हैं जिनको हमने वन वे किया है, एक साइड से गाड़ियाँ जाएंगी। इसके अलावा 95 ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे हमने नो पार्किंग किया है और 13 ऐसे रास्ते हैं जिन पे हमने हेवी व्हीकल को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जंक्शंस हैं, जो सेंसिटिव पॉइंट हैं, ऐसे 31 जगह पे हमने वाच टावर बनाए हैं। उस वाच टावर पे हमारे लोग रहेंगे, वॉकी टॉकी रहेगी, हमारा पीएस सिस्टम रहेगा और पूरे क्राउड को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 11,000 वॉलंटियर्स आएंगे, डिफरेंट एनजीओज के, डिफरेंट एनसीसी के आएंगे, एनएसएस के आएंगे, सिविल डिफेंस के आएंगे, तो उनकी हम मदद लेंगे। हमारे ऑलमोस्ट 3500 ट्रैफिक कर्मचारी और अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा होम गार्ड के लोग हैं। तो इस तरह से पूरे मुंबई शहर में विसर्जन पॉइंट रूट, इसके अलावा जो सेंसिटिव जगह है ट्रैफिक के हिसाब से, कम्युनली हिसाब से, उस हिसाब से हमने पूरा बंदोबस्त लगाया है। तो लाखों की संख्या में जब भक्तों का सैलाब उमड़ता है गिरगांव चौपाटी की तरफ, जुहू चौपाटी की तरफ, या भी जितने यहाँ पर चौपाटी हैं, बीचेस हैं जहाँ पे विसर्जन का काम होता है, वहाँ पर पुलिस ने चाक चौवन व्यवस्था कर ली है और अलग अलग इलाकों में जिस तरह की समस्याएं होती है उसको देखकर कुछ रास्ते बंद कर दिए गए हैं तो कुछ रास्तों को वन वे कर दिया गया है। जाहिर सी बात है नियंत्रण करना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि एनजीओ के लोग हैं, चाहे वो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े होते हैं, लेकिन इस दिन सब एक हो जाते हैं और मुंबई पुलिस को बहुत अलग अलग तरीकों से मदद करने की पेशकश करते हैं और निश्चित रूप से पुलिस को एक बहुत बड़ा योगदान देने का काम करते हैं एनजीओज वाले। साथ ही साथ एनसीसी के लोग हैं या फिर जो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो भी अपना पूरा कार्यक्रम जो है इससे जोड़ेंगे और अपनी सेवा देने का काम लगातार करेंगे ताकि आने वाले समय में लगातार विसर्जन का जो पूरा आयोजन है, पूरा कार्यक्रम है, जो पूरा सफ़र है, उसमें किसी तरह का अड़ंगा ना आए, किसी तरह का विघ्न ना हो, क्योंकि विघ्नहर्ता गणपति बप्पा को अंतिम विदाई देने के लिए लाखों की संख्या में अलग अलग इलाकों से लोग अपने घरों से निकलेंगे और सबकी यही कोशिश रहेगी कि गणपति बप्पा हर तरह से अच्छी तरह से अपने घर पहुँचे और लगातार भक्तों का सैलाब उमड़ता रहेगा और ऐसे में समझा जा सकता है कि पूरा जो आयोजन है वो शांतिपूर्वक तरीके से हो जाएगा। महाराष्ट्र के उत्सव में अगर हम गणेशोत्सव की बात करते हैं तो गणेशोत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसने महाराष्ट्र की परंपरा को, संस्कृति को लगातार मजबूत करने का काम किया है और एकता को के सूत्र में पिरोने का जो आयोजन होता है इसके जरिए होता है, क्योंकि लगातार घर घुटी यानी घर घर में जो गणपति विराजते हैं उनका भी एक तरीके से इस्तकबाल होता है अलग अलग लोगों के द्वारा, भक्तों द्वारा, और ज्ञान की जो गंगा बहती है तो उसमें सबसे पहले जो प्रथम प्रणेता माने जाते हैं, देवों के देव कहे जाते हैं, वो हैं गणेश।
तो हर तरफ गणपति बप्पा की का जो विसर्जन है, अंतिम सफर जो है उनका, उसको लेकर कौतूहल है। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक का सफर खत्म होने को है, ऐसे में अलग अलग मंडलों द्वारा गणेश जी को स्थापित किया गया है। वहाँ का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। बांद्रापुर के शास्त्री नगर में एक ऐसा मंडल है जहाँ गणेशोत्सव का ये 51वां साल है और वहाँ के विघ्नहर्ता को शास्त्री नगर का राजा कहा जाता है। हम खड़े इस समय बांद्रा पूर्व में, जहाँ एक इलाका है शास्त्री नगर, और इस शास्त्री नगर में स्थित है ये पंडाल। मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं आप गणेश जी की यह प्रतिमा, जो 51 साल पहले यहाँ स्थापित की गई थी, उसकी शुरुआत की गई थी, और देखते ही देखते इस प्रतिमा का स्वरूप इतना भव्य हो चुका है कि आने वाले जो लोग हैं वो अभी भाव विभोर हो जाते हैं। यहाँ शास्त्री नगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा यह स्थापित किया गया गणेशोत्सव, जो नवसाला पावड़ारा विघ्न दूर करनारा शास्त्री नगर चा राजा इसके नाम से जाना जाता है। हमारे साथ यहाँ पर जो मंडल के प्रमुख हैं वो भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले अपने कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार से गुजारिश करेंगे कि गणपति बाप्पा की किस प्रतिमा को अपने कैमरे में काफी करीब से कैद करने की कोशिश करें। हमने मुंबई के तमाम इलाकों का जायजा लिया, वहां के स्थापित किए गए विघ्नहर्ता गणेश जी की जो प्रतिमा है वह अपने दर्शकों को हमने दिखाने की कोशिश करी है। उसी तरीके से इस बांद्रा पूर्व शास्त्री नगर चा राजा के नाम से जाने जाने वाले यह श्री गणेश, इनका यहाँ पर पूरे भक्ति भाव के साथ स्थापना किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मंडल जो इसका इन्होंने बीज जो लगाया था, वह बीज जिस पौधा का इन्होंने रोपण किया था वह एक विशाल वृक्ष बन चुका है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं इतना वक्त जो लगा है इसके पीछे आखिर भूमिका किसकी रही। आपसे सबसे पहले आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे। नामदेव परशुराम गडकरी। नामदेव जी ये बताइए कितने साल पहले आपने यहाँ पे स्थापना की थी? 63 साल 1963। ये बताइए इस बार जो गणपति बाप्पा को आपने यहाँ पे स्थापित किया है, शुरुआती दौर में जब आपने स्थापित किया था तब इनका आकार कितना बड़ा था? यानी कम से कम 1.5 फुट होगा, छोटा गणपति। ऑफिस में थे, छोटा पत्री का उसके अंदर बिठाने। बात की जाए गणेशोत्सव की, शुरुआती दौर में जब आपने इसको स्थापित किया था उस समय का जो माहौल था और आज वर्तमान का जो माहौल है कितना अंतर है? यानी उसमें बहुत से जमीन आसमान का फर्क हो गया कि 50 बरस में इतनी है। उधर तो झोपड़पट्टी है, न लॉटरिंग था बरोबर, पानी का व्यवस्था नहीं थी, सबने हमने करवाया। उसके करते करते अच्छा बने लोग, अच्छे जरा छोटा जरा सुधर के बनाने लगे। और अभी इस वक्त ऐसा है कि SRA लगा के अच्छे बिल्डिंग में भी, एक बिल्डिंग में 135 आदमी गए और दूसरे में अभी 6-4 महीने में हमारे 200 लोग जा रहे हैं नया बिल्डिंग में। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? रमेश मोरे। मोरे साहब ये बताइए, हमने मुंबई के कई इलाकों का जायजा लिया, हम सिर्फ मकसद ये था कि जिस प्रकार से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी, क्या लगता है पहले और अब में कितना अंतर? पहले जी परिस्थिति होती ती फार म्हणजे ह्याच्यामध्ये होती की माणसाला कोणत्या गोष्टीची समज नव्हती, पण ज्यावेळेस आम्ही 63 वर्षापूर्वी गणपतीची स्थापना केली आणि त्यावेळेस ही झोपडपट्टी होती, नंतर आम्ही सगळे एकत्र ह्या गणपतीच्या महोत्सवानिमित्त एकत्र येऊन आमचे विचार विनिमय आणि चांगल्या पद्धतीत कशा पद्धतीत इथे ह्या शास्त्रीनगरमध्ये आपण वसाहत निर्माण करायची ह्या धोरणाने आम्ही ह्याची स्थापना करून आज आम्ही एवढं मोठं भव्य ह्याच्यामध्ये गेलो आहे की आज आमचे SRA स्कीम होऊन आमचे 135 माणसं ह्या SRA स्कीममध्ये त्यांना रूम भेटलेत, बाकीचे 200-250 माणसं आहेत या 2-4 महिन्यामध्ये त्यांनाही ते रूम भेटतील। आणि ह्या हे ह्याचं सगळं श्रेय हे आमच्या गणपती बाप्पामुळे हे आलेलं आहे, म्हणून आम्ही ह्या गणपतीचं एवढं मनापासून आज 63 वर्ष होत आलेले आहे आम्हाला ह्या स्थापनेला, तर एवढं मनापासून आणि एक संघ भावनेने आम्ही याची आराधना करत आहोत। जाहीर सी बात है की जहां जहां गणेशोत्सव मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र का जो स्वरूप है कुछ हटके है। भाव विभोर कर देने वाले ये गणेश, जिन्होंने कई लोगों के विघ्न को हरा है, कई लोगों के दुखों को दूर किया है। हमारे साथ गोवा से आप आए हैं, आपका नाम जानना चाहिए। राजेश नामदेव गडकरी। खास करके हमारे ये जो गणपति बप्पा है उनकी हम सेवा करने के लिए खास गोवा से आते हैं। हमने देखा
ना, मुंबई से लोग कोकण की तरफ जाते हैं, मुंबई से लोग गांव की तरफ जाते हैं, गांव खेड़े की तरफ जाते हैं, और वहां पर जो गणपति बाप्पा की जो स्थापना की जाती है उसके लिए वह अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं। आप तो गोवा से यहाँ पर आए हैं। क्योंकि हमारा जन्म इधर हुआ है, हमारा जन्म कार्य सिद्ध यही है, जिधर से हमारे पैदाइश है उधर से हम गणपति बाप्पा को पूजते हैं। कुल मिला के अब यह हिंदुओं का यह पर्व नहीं रह गया, सर्वधर्म समभाव की तर्ज पर गणेशोत्सव मनाया जाता है। कुछ आपसे जानना चाहेंगे गणेश जी के बारे में। मेरा नाम मनोज कुमार भगवान कदम है, मैं यहाँ कम से कम 40 बरस से रहता हूँ। गणपति का कम से कम तो 40-45 बरस से मैं खुद सेवा करता हूँ। मैं यहाँ का खजींदार हूँ गणपति का, और हमारा गणपति ऐसा है कोई गरीब का किसी का भी भला नहीं होता है, वो हमारा गणपति करता है। बिल्कुल, जब गणेशोत्सव की शुरुआत होती है तो शुरुआती दौर में बाजे गाजे ढोल ताशों के साथ जो लोग होते हैं वह नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। श्रद्धालुओं का एक हुजूम सड़कों पर उमड़ता आसानी से देखा जा सकता है, और खास करके जहां जहां का हमने जायजा लिया, यहां का जो भाव है कुछ हटके है। सेलिब्रिटियों ने अपनी उपस्थिति यहां दर्ज कराई, राजनेताओं ने आपस के अंतर क्लेश को मिटाकर भक्ति भाव से यहां पर पहुंचे और अपनी उन्होंने भी उपस्थिति दर्ज कराई। देखने वाली बात यह होगी कि जो गणेशोत्सव है आने वाले दिनों में भारतवर्ष के साथ साथ जिस मुंबई में यह बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, क्या आने वाले दिनों में भी इस त्योहार इस पर्व की गरिमा बरकरार रहेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार के साथ संजय मिश्रा, लमन न्यूज मुंबई। 51 साल पहले स्थापना हुई थी शास्त्री नगर के राजा की, जब उनकी शुरुआत हुई थी तब मूर्ति का जो साइज था वो 1 से 1.5 फुट तक था, लेकिन आज 51 सालों में गणपति बप्पा का जो विस्तार हुआ है, उनकी प्रतिमा का जो अलग अलग तरीके से श्रृंगार हुआ है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वाकई ये जो सफ़र है, ये जो यात्रा है, उसमें लगातार भक्ति की जो गंगा है वो बहती हुई नजर आ रही है, और आस्था का जो एक प्रश्न होता है उसका उत्तर मिलता है। क्योंकि गोवा से अगर कोई यहाँ पे आता है सेवा के लिए, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आती है, तो समझा जा सकता है कि गणपति बप्पा के दरबार में हर कोई मत्था टेक कर मन मुराद पूरा करना चाहता है, और मन्नत के देवता भी कहे जाते हैं गणपति बप्पा। तो गणपति बप्पा का मोहक रूप है ही ऐसा कि हर कोई इनका दर्शन करने को लालायित होता है। और अभी फिलहाल हम सीधे चलेंगे, क्योंकि आज संजय मिश्रा ने जिस तरह से हमें ये शास्त्री नगर के राजा का दर्शन करवाया, तो हम सीधे चलते हैं संजय मिश्रा के पास और जानते हैं कि गणेशोत्सव के दौरान किस तरह की व्यवस्था है, सुरक्षा को लेकर या फिर पंडालों में किस तरह का माहौल है। संजय, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरह से हमें शास्त्री नगर के राजा का दर्शन कराया। ये बताइए कि अभी किस तरह का माहौल है, क्योंकि कल विसर्जन है और बहुत सुरक्षा की बात हो रही है, अलग अलग संस्थाओं को भी जोड़ने की बात हो रही है, स्वयं सेवक जो है वो भी जुड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा महोत्सव है। देखिए अवनिंद्र, देवाधिदेव महादेव के सुपुत्र कहे जाते हैं गणेश, पार्वती जी के दुलारे हैं, और खास करके हिंदुओं के आराध्य देव कहे जाते हैं। जब कोई नया काम शुरू होने को होता है, जब कोई नई चीजें स्थापित की जाती है, तो सबसे पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है, यह एक प्रकार का चलन है। और खास करके हर साल गणेशोत्सव का पर्व जो है वो जब आता है तो उन तमाम इलाकों की जो नजारे हैं वह देखते ही बनते हैं अवरिंद्र। तकरीबन यदि बात की जाए तो गणेशोत्सव मुंबई के विभिन्न इलाकों में मनाया जाता है बड़े जोर शोर के साथ। अलग अलग पंडाल, अलग अलग मंडल, अलग अलग साज सज्जा के तहत अलग अलग प्रतिमाओं और झांकियों की तैयारी की जाती है, और एक भक्तों का एक हुजूम चारों तरफ देखने को मिलता है। 10 दिन तक मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है, हकीकत में अगर देखा जाए तो मुंबई जो है वह मुंबई की जो सजावट होती है, मुंबई में जो भक्ति भाव होता है, पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। पूजा अर्चना के साथ में गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। संजय, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, पूरे देश की बात करें, तो गणेशोत्सव की धूम होती है, लेकिन महाराष्ट्र और खासकर मुंबई का मजा ही अलग है। आपने किस तरह से महसूस किया यहाँ का जो अलग परिवेश है? बिल्कुल अवनिंद्र, आपने सही कहा कि गणेशोत्सव पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र का जो स्वरूप है कुछ अलग है। और बात की जाए आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो वहाँ एक नई चीज देखने को मिलती है कि वहां पर सर्वधर्म संभाव की तर्ज पर तमाम वह लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो तमाम आस पड़ोस के लोग एकजुटता का परिचय देते हुए वह गणपति बाप्पा को समर्पित हो जाते हैं। और जिस प्रकार से 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने
इसकी स्थापना करी थी जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से कि लोग आपसी अंतर कलह को, द्वेष को, आपसी मन मुटाव को, दुश्मनी को भुलाकर और उस पंडाल में एकजुट होकर गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना करें, ताकि आने वाला जो समय हो वह शांतिपूर्ण रहे और सद्भावना बरकरार रहे। इन तमाम चीजों के पीछे मकसद लोगों को एकजुट करने का है। अब बात करते हैं तैयारी की। अवनिंद्र, मुंबई पुलिस के तमाम वह जवान जिनकी संख्या तकरीबन 47,000 के आसपास है, 47,000 पुलिस कर्मी चाक चौबंद तरीके से अलग अलग चप्पे तैनात किए गए हैं, किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके, कोई अप्रिय वारदात ना हो सके, इस पर मुंबई पुलिस की एक पहल है। और खास करके गणेशोत्सव के पहले ट्रैफिक विभाग के जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने जानकारी दी थी कि जिस प्रकार से गणेशोत्सव गणेश चतुर्थी के दिन गणेश की प्रतिमाओं का जहां जहां स्थापन किया जाएगा, उसी तर्ज पर अनंत चतुर्थी के दिन गणेश जी का विसर्जन का दिन होता है। और विसर्जन के दिन जितनी गणेश चतुर्थी के दिन जितनी खुशी की लहर देखने को मिलती है, उतना ही जोश खरोश लोगों में अनंत चतुर्थी के दिन भी देखने को मिलता है। हालांकि अनंत चतुर्थी के दिन लोगों की जो आंखें होती है वह नम होती है, क्योंकि 10 दिन 24 घंटे सातों दिन जिस प्रकार से गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना की जाती है, तो ऐसे लगता है कि अनंत चतुर्थी के दिन जब बाप्पा की विदाई का जब समय आता है तो लोगों की आंखें जो है वह नम हो जाती है। ऐसा लगता है कि घर का कोई सदस्य अब दूर जा रहा है। और आपने सुना भी होगा कि गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ये जो गूंज होती है वह गणेश चतुर्थी के दिन देखने को मिलती है। अनंत चतुर्थी के दिन ठीक इसके विपरीत लोग एक साथ एकजुट एक स्वर में कहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया पुड़चा वर्षी लौकरिया। और खास करके विसर्जन की यदि बात करें अवनिंद्र, तो तकरीबन 72 ऐसे स्थान हैं जहां प्राकृतिक और कृत्रिम तरीके से गणेश विसर्जन का पूरा बंदोबस्त किया गया है, पूरी व्यवस्था की गई है। मुंबई पुलिस के साथ साथ जो स्वयं सेवक हैं 10,500 के आसपास अवनिंद्र स्वयं सेवक हैं जिनकी तैनाती की जाएगी, जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्थानों पर तैनात होंगे। और किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी मंडल जो कि विसर्जन के लिए आगे बढ़ता होगा, उसे कोई बाधा ना सामने दिखाई दे, उसे किसी कठिनाइयों का या समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसकी व्यवस्था प्रमुखता से की गई है। इसके अलावा हम यदि बात करें तो बृहन्मुंबई महानगर पालिका के तकरीबन 893 अधिकारी और साथ ही 11,000 के आसपास कर्मचारी, इन तमाम लोगों की व्यवस्था की गई है, तमाम लोगों को कार्यभार सौंपा गया है, ताकि किसी को भी गणपति बाप्पा के विसर्जन में कोई अवरुद्ध पैदा न हो सके। और खास करके लोगों को एक 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 सड़क से जब लोग गुजरते हैं बाजे गाजे ढोल ताशों के साथ नाचते झूमते थिरकते अपने गणपति बाप्पा को उस विसर्जन स्थान तक जब ले जाते हैं, तो वह रास्ता साफ हो, साफ सुथरा हो, जो अनैतिक तरीके से जो भीड़ का जमावड़ा होता है उस पर कहीं ना कहीं से नजर रखी जाए, ताकि जहां भीड़ भाड़ का इलाका है वही खतरे की घंटी भी होती है। अवनिंद्र, आपने सुना होगा कि आईबी ने समय समय पर गृह मंत्रालय को इनपुट्स दिए थे कि आतंकी जो संगठन है वह त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय वारदात को अंजाम दे सकते हैं, तो इस तरह की चीजों को समय रहते ही लगाम कसा जाए, उसे रोका जाए, इसकी तैयारी प्रमुखता से की गई है। चप्पे चप्पे जो है वह मुंबई पुलिस, खास करके चाहे बम निरोधक दस्ता हो अवनिंद्र, या इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स हो, रैपिड एक्शन फोर्स की 10 टुकड़ियां वहां तैनात की गई है, फोर्स वन की लगभग 12 टीमें वहां पर मौजूद है और पूरे हथियारों से लैस होकर। इसके अलावा स्टेट रिजर्व पुलिस के 10 टुकड़ियां हैं, इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल के 2 टुकड़ियां हैं, यानी कुल मिला के एक प्रकार की अपने आप में एक सेना, एक फौज मुंबई में दिखाई देगी अनंत चतुर्थी के दिन। एक और फौज होती है जिसको हम मीडिया के नाम से जानते हैं संजय, मीडिया कर्मी भी बहुत ही जोश खरोश के साथ पूरी घटनाओं को दिखाने की कोशिश करते हैं और जो पूरा जो वातावरण होता है उसमें वो भी डूब जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मीडिया का जो रोल है वो अहम है,
यदि मीडिया नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि कहां क्या और कैसे चल रहा है। यदि कोई घटना होती है तो लोग अपने टीवी ऑन करते हैं और खास करके कि उस पर प्रमुखता से जो खबरें चल रही है, जो स्थानीय खबरें चल रही है और उस पर लोगों की नजर होती है, लोग जानने के लिए बेकरार होते हैं कि आखिर उनके इलाके की स्थिति क्या है, हालात क्या है, क्या कहीं ट्रैफिक जाम तो नहीं है या कोई कोई बड़ा घटना या कोई बड़ा हादसा तो नहीं हो गया है। और खास करके समुद्री छोर की यदि बात करें अवनिंद्र, यदि कुलाबा हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो या गिरगांव चौपाटी हो, जुहू चौपाटी हो, वर्सोवा चौपाटी हो, माहिम चौपाटी हो, मड की जो गुराई बीच है वो हो, आक्सा बीच हो, तमाम इलाकों के वर्सोवा जेट्टी हो, तमाम जो समुद्री छोर हैं जहां पर गणपति बाप्पा का बड़े पैमाने पर विसर्जन किया जाता है, वहां पर लोगों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े इसीलिए वहां पर, और खास करके जो ऊंची ऊंची लहरें जो समुद्र में उठती हैं अवनिंद्र, उन लहरों में जो छोटे छोटे बच्चे आनंदित और प्रफुल्लित होकर हर्षोल्लास होकर वह अंदर की तरफ जाते हैं तो बड़ी लहरों के आगोश में न वो चले जाएं, इसके लिए विशेष रूप से वहां पर लाइफगार्ड की व्यवस्था की गई है। लाइफगार्ड के अलग अलग जो टीमें हैं वो अलग अलग चौपाटी पर तैनात किए गए हैं ताकि लहरों में डूबकर किसी के जान माल का नुकसान ना हो। और खास करके मुंबई में 92 से 93 पुलिस स्टेशन हैं, उन तमाम 92 से 93 पुलिस स्टेशन के जो सीनियर PI हैं उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की तरफ से सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्राइम ब्रांच की 12 यूनिट है। और एक चीज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ पुलिस कर्मी ऐसे भी हैं अवनिंद्र जो सादे वेश में होंगे और उनकी जो नजर है वह उन तमाम लोगों पर होगी कि श्रद्धालुओं के भीड़ में कहीं कोई आतंकी न छुपा हो, कोई अराजक, कोई असामाजिक तत्व न हो जो वहां पर किसी आपराधिक प्रवृत्ति को, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे ताकि किसी कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो सके, इसका विशेष रूप से ध्यान दिया गया है अवनिंद्र जी। चलते चलते संजय आपसे ये जानना चाहेंगे कि गणेशोत्सव के दौरान गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। मोदक के भी 108 प्रकार निकल गए हैं, जैसे गणपति बप्पा के अलग अलग नाम हैं, कुल मिला के 108 गणपति बप्पा का नाम होता है, लंबोदर हैं, विघ्नहर्ता हैं, कई नाम हैं, लेकिन विसर्जन के दिन एक ही नारा हर जगह सुनाई पड़ता है, गणपति बप्पा मोरिया। कल आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए हम इधर आपको बताना चाहेंगे कि आपने सही कहा कि 108 नाम हैं गणेश जी के, और खास करके मैं हम ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों के जहन में एक मानसिकता बनी रहती है, कोई छोटे गणेश जी को देखते हैं, कोई बड़े गणेश जी को देखते हैं। गणेश जी चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे 108 गणेश जी में कोई भी गणेश हो, लेकिन है तो वो गणेश जो देवों का देव, महादेव के सुपुत्र हैं, हिंदुओं के आराध्य देव हैं, लेकिन गणेश जी की मान्यता जो है वह अब सर्वधर्म समभाव की तर्ज पर दी जाती है। बिल्कुल संजय, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि सर्वधर्म समभाव, यानी सबको लेकर चलने वाले गणपति बप्पा जो हैं वो एकता के प्रतीक हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि गणपति बप्पा का पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह आपके ऊपर बना रहे, साथ ही साथ पूरी दुनिया में शांति हो, क्योंकि गणपति बप्पा जो चाहते हैं वही होता है। लगातार आप लेमन न्यूज़ पे देख सकते हैं अलग अलग देशों की, दुनिया की खबर। फिलहाल इस सफर में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ, और मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।